ऑलराइट गाइस, सो अब हम इस आई डिस्कस को आगे लेकर जाएंगे और इसकी जो खामियां हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये PHP की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, ये मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ और उसके बाद भी बीच बीच में लोग सवाल करते हैं कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। आई होप कि सब लोग जल्दी से इसको एक्सेस कर लें और शुरू से इस कोर्स को जो है देखें। चलो जी, बढ़िया। अब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एग्जाम कंट्रोल पैनल चालू है, अपाचे चल रहा है, MySQL चल रहा है, मैं यहाँ पर जल्दी से localhost/forum करूँगा तो ये वेबसाइट आ जाएगी। साइनअप काम कर रहा है, लॉगिन काम कर रहा है, लॉगिन में मैं यहाँ पर test@test.com और टेस्ट करूँगा, सबमिट कर दूँगा। मुझे नहीं पता, किसी का एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि ये जब लॉग आउट कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसको ये खोला JavaScript, Django, अभी तो मैं लॉग्ड इन हूँ एकदम। अब मान लो वो कह रहे हैं यहाँ से लॉग आउट कर दिया आपने, अगर ये कर दिया लॉग आउट, वो कह रहा है कि मैं अगर बैक जा रहा हूँ तो मैं वापस से लॉग्ड इन हो जा रहा हूँ, तो मे बी कैश आपका जो है या तो आपने कोई गलती करी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि किसी तरह से आपका जो ब्राउज़र है वो कैश कर रहा है और ऊपर की डिटेल्स को रख रहा है। हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है मुझे, जैसे कि मैं अगर दिखाऊँ इसको, अगर मैं रिलोड करूँ तो लॉग आउट हो गया, लॉग इन कर रहा हूँ और यहाँ पर टेस्ट अगर मैं करूँ, लॉग आउट करूँ, फिर वापस से बैक अगर मैं करूँ तो मैं तो लॉग्ड इन नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई गलती, आप अपना कोड चेक करें। इस तरह की कोई भी छोटी मोटी गलती अगर आप लोगों को लगती है कि आप लोगों ने करी है तो आप चेक करें, अगर यहाँ है तो कमेंट करें, बिल्कुल मैं उसको एड्रेस करूँगा बहुत जल्दी। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि अगर कोई इंसान लॉग्ड इन नहीं है तो वो स्टार्ट नहीं कर सकता डिस्कशन, ठीक है। तो ये जो मेरा threadless.php है, सबसे पहले यहाँ पर कोई स्टार्ट ही ना कर सके डिस्कशन अगर वो लॉग्ड इन नहीं है। तो यहाँ पर कहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले ये कंटेनर है, वो देखो ये चीज़ है, ये वो कंटेनर है जो कि डिस्कशन को स्टार्ट करवा रहा है, ये देखो इतना पोर्शन। तो मैं करूँगा क्या, देखो PHP है ये, ठीक है, तो मैं इसके अंदर यहाँ पर लिख दूंगा, सबसे पहले तो मुझे अपना PHP का ये ब्लॉक चालू करना पड़ेगा, ठीक है, और मैं इसको ले लूँगा एक PHP ब्लॉक में, ठीक है। चलो बढ़िया, मैंने यहाँ पर एको लिखा, सिंगल कोट लगाया, सिंगल कोट सेमीकोलन, ठीक है। मैं कहूँगा कि अगर बंदा लॉग्ड इन है, अगर बंदा लॉग्ड इन है तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पर इसको ये दिखाना है, ठीक है। वरना आप लोगों को क्या दिखाना है, वरना आपको कहना है कि भाई देखो ऐसा है कि आप लॉग्ड इन नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको हम कुछ और दिखाएंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप की बात हम बोलेंगे अपने यूज़र को। तो मैं इसको ज़रा सा कॉम्प्रेस कर लेता हूँ। वैसे आप यहाँ पे MAT यूज़ नहीं कर सकते, कुछ कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि यहाँ पर सजेशंस नहीं आ रहे हैं, PHP स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा हूँ तो नहीं आते हैं वो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सजेशंस चाहिए आते हुए दिखे सजेशंस, अगर आप ये चाहते हो तो आप लोग जो है इसको पहले किसी HTML फाइल में लिख लो और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इफ़ लिखूँगा और यहाँ पर मैं बेसिकली कहूँगा कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है, तो यूज़र लॉग्ड इन किस तरह से मैं पता लगाऊँगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको करके दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पर लॉग्ड इन है यूज़र की नहीं, हमने यहाँ पर इससे पता लगाया हुआ है। हमने कहा है कि अगर हमारा सेशन, ये जो है सेशन लॉग्ड इन ये सेट है और सेशन लॉग्ड इन ट्रू है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब आप लॉग्ड इन हैं तो आपको ये दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी चीज़ का स्टार्ट करेंगे, उसी चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इफ़ के अंदर वही चीज़ डाल देता हूँ, मैंने कॉपी किया, ओप्स, मुझे यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करना है इसको। और अगर इफ़ ये है तो इस तरह से हम करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, वरना हम एको करेंगे यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। अभी मैंने बड़े अजीब तरीके से इसको लिखा है, यू आर नॉट लॉग्ड इन। और अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छी तरह से ये आपका हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर मैंने कर दी कोई गलती, लाइन नंबर 73, और मैंने फॉर्मेटिंग से पता नहीं क्यों उसने गड़बड़ कर दिया, मैंने फॉर्मेट HTML इन PHP किया तो यहाँ पर लाइन नंबर 73 में कहीं गड़बड़ बोल रहा है, कह रहा है कि यार ये सिंगल कोट है, ये भी सिंगल कोट है, चल क्या रहा है, बेसिकली ये बोला है, तो इसको डबल कोट कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी गुड नाउ, रिलोड, यू आर नॉट लॉग्ड इन, देखो यार है। अगर मैं लॉग इन कर लूँ अभी यहाँ पर test@test.com और टेस्ट करूँ, सबमिट करूँ और अब वापस से मैं बैक जाऊँ तो यहाँ पर कह रहा है स्टार्ट अ डिस्कशन, बट व्हाट इज़ दिस, ये क्या आ रहा है लिखकर, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, क्या कोई चीज़ लीक हो गई यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ओके, ओ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, PHP के अंदर PHP डाल दिया, तो वो चीज़ मुझे जो है ठीक करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, एक्शन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ, एक्शन इज इक्वल टू में मैं क्या चाहता हूँ, सर्वर URI चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक स्ट्रिंग बनाऊँगा और यहाँ पर ये ख़त्म करूँगा, और ये स्ट्रिंग मेरी एक यहाँ पर ख़त्म हुई, ठीक है, ध्यान से देखना, सिंगल कोट, ये एक स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म हुई। मैं चाहता हूँ एक्शन इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाए, और इसकी वैल्यू आने के बाद इसको मैं कंकैटिनेट करूँगा
एक स्ट्रिंग से जो कि यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है। आई होप कि आई गॉट इट राइट, लेकिन तभी एक बार चेक करते हैं, ठीक है। हो सकता है मैंने ही कोई गलती कर दी उसको इस तरह से कॉन्कैटिनेट करने में, लेकिन मुझे लगता है सही है, क्योंकि एक स्ट्रिंग ये आ गई सिंगल कोट यहाँ शुरू यहाँ ख़त्म, और एक ये स्ट्रिंग आ गई, ये ऑटोमेटिकली जो है मैंने वेरिएबल के रूप में लिखा हुआ है, तो ये अपने आप ले लेगा इसको, और उसके बाद डॉट लगा के मैंने ये पूरी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर दी। तो मेरे हिसाब से अभी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो देखो हाँ, हमारी प्रॉब्लम जा चुकी है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ से लॉग आउट कर दिया इसको, और अब मैं इसको रिलोड करूँ, तो ये कह रहा है यू आर नॉट लॉग्ड इन, बट दिस डजेंट लुक गुड यार, इसको ठीक करना पड़ेगा हमको, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है ये। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एको लगाया है, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से HTML लिखेंगे। तो मैं सिंपली एक लिखूँगा div डॉट कंटेनर, वो भी यहाँ पर लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ, मैं PHP के बाहर लिख रहा हूँ कंटेनर को, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा कि यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। अब मैं इसको कट करूँगा और इसको यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। तो मेरा यू आर नॉट लॉग्ड इन लिख कर आ जाएगा। आई थिंक दिस शुड बी फाइन, इतने से काम हो जाना चाहिए। रिलोड करो, यू आर नॉट लॉग्ड इन लिख के आ रहा है, लेकिन यार थोड़ा बड़ा होता तो और अच्छा लगता। यू नीड टू लॉग इन टू बी एबल टू पोस्ट टू बी एबल टू स्टार्ट डिस्कशन, टाइप से कुछ लिख देता हूँ। और मैं ज़रा यहाँ पर ये देखता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें किस तरह बनाई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने हेडिंग का यूज़ करके, पी क्लास इज इक्वल टू लीड करके। तो एक काम करते हैं, जो क्लास इज इक्वल टू लीड है ना, ये यूज़ करता हूँ मैं। और मैं इनफैक्ट क्या करता हूँ ना, इसी की एडिटर्स HTML करके इसको ही कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और इसको कॉपी करके मैं वहाँ पर चेप दूंगा। तो ये कॉपी पेस्टिंग जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, बहुत काम आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये क्लास इज इक्वल टू लीड के अंदर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यू आर नॉट लॉग्ड इन, प्लीज़ लॉग इन टू बी एबल टू स्टार्ट अ डिस्कशन। बस इतना ही लिखते हैं, ज़्यादा महाभारत भी नहीं लिखनी है पूरी। यहाँ पर हमने लिख दिया यू आर नॉट लॉग्ड इन, प्लीज़ लॉग इन टू बी एबल टू स्टार्ट अ डिस्कशन, ठीक है। तो आई थिंक दिस लुक्स फाइन अभी के लिए। अगर आपको इसको किसी और तरीके से स्टाइल करना है, या एक जंबोट्रॉन में लिखना है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, तो आप लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर ये कंटेनर में ये जो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है, इसको भी अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो शायद ही थोड़ा और अच्छा लगे। स्टार्टर डिस्कशन में आप लॉग्ड इन नहीं है, फिर आप जब लॉग इन हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, यानी कि डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे किस तरह से ये हो रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एनोनिमस यूज़र लिख कर आ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार। जिस यूज़र ने किया है कमेंट उसका नाम आना चाहिए, एनोनिमस यूज़र क्यों आ रहा है। इससे हम निपटेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये चीज़ है, मैं लॉग्ड आउट हूँ और उसके बाद भी मुझे यहाँ पर पोस्ट का कमेंट दिख रहा है, इसको भी ठीक करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या कि मेरा जो कौन सा पेज है, मेरा थ्रेड डॉट पी एच पी है, तो थ्रेड डॉट पी एच पी के अंदर यहाँ पर जहाँ पर भी हमारा ये आ रहा है, यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ अपना ये ऐड करने का, किस टाइटल से पोस्ट कमेंट से है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है मेरा, मैं ज़रा इसमें से फालतू स्पेसेस हटा देता हूँ, क्योंकि मैं इसको डालने वाला हूँ एक एको के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पर मैं अपनी एक PHP ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक ये इफ एल्स ऐड किया है मैंने, मैं तो इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इस PHP ब्लॉक को ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और आप देखना कैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पर। और मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ इस तरह से, और क्या करूँगा मैं यहाँ पर कि इससे रिप्लेस कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ यहाँ पर, और मैं कंट्रोल एक्स क्यों कर रहा हूँ आपको बताऊँगा। कंट्रोल एक्स मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको कंट्रोल वी करता हूँ, और ये प्रॉब्लम फिर से आ गई हमारी। और इस बार मैं थोड़ी तेज़ करूँगा इसको, क्योंकि मैंने अभी पिछली बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। डॉट यहाँ पर लगाया, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक डॉट लगाया, और एक सिंगल कोट से इसको देखो, सिंगल कोट जब आप टाइप करते हो ना, तो एक ऑटोमेटिकली दूसरा सिंगल कोट आ जाता है, तो उस बात का ध्यान रखना। देखो ये मैं कर रहा हूँ, तो ये हमारी कन्वीनियंस के लिए दो दो लगा देता है यहाँ पर, तो उससे बच लेना एक बार। एक सिंगल कोट होना चाहिए, और ये डबल कोट फॉर्म का है। थोड़ा सा आप लोगों को इसको इवैल्यूएट करने में दिक्कत आ सकती है अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो, लेकिन मैं कहूँगा कि आराम से इसको देखो कैसे ये चल रहा है। सिंगल कोट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम अंदर डबल कोट यूज़ कर रहे हैं, हम फालतू की एस्केपिंग और ये वो से बचना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगल कोट लगाए, डबल कोट अंदर है, तो यहाँ पर इतने को जोड़ेगा इसमें, फिर इसको जोड़ देगा इसमें, बेसिकली सिल देगा सारी स्ट्रिंग्स को जो हम इसको दे रहे हैं। डॉट ऑपरेटर यही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया इसको, जोड़ने के बाद फाइनली हमारे ये जो पूरी स्ट्रिंग है वो बन जाएगी। और अगर हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, इस तरह से इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि जो पोस्ट कॉमेंट था मेरा, ये पोस्ट का कॉमेंट, ये कॉपी करूँगा हेडिंग, और मैं यहाँ पर बिल्कुल वही बोलूँगा जो कि मैंने पहले बोला था कि यू आर नॉट लॉग्ड इन, प्लीज़ लॉग्ड इन टू बी एबल टू पोस्ट कॉमेंट्स, ठीक है।
आई थिंक इतने से काम हो जाएगा। आई डोंट नीड टू सेव दिस, मुझे सेव नहीं करना है इसको, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर रख दूँगा। ये देख रहा हूँ कि कहीं मैंने दो बार तो नहीं डाल दिया, और ये कहीं पी एच पी के अंदर तो नहीं हूँ मैं, नहीं मैं पी एच पी के अंदर नहीं हूँ। आई थिंक वी आर गुड। अब देखते हैं ज़रा ये काम कर रहा है कि नहीं। सेव कर लिया सब कुछ, कह रहा है यू आर नॉट लॉग्ड इन, प्लीज़ लॉग इन टू बी एबल टू पोस्ट कॉमेंट्स। अब ये कॉमेंट्स के सी को स्मॉल कर देते हैं यहाँ पर, इसको कैपिटलाइज करने का कोई पॉइंट नहीं है, अच्छा भी नहीं दिख रहा है। सेव किया इसको और उसके बाद इसको रिलोड किया, सही दिख रहा है अभी, और यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, डिस्कशन पोस्ट अ कॉमेंट, अनेबल टू इंस्टॉल पाई ऑडियो, किसी ने डाला है, फिर आप भी पोस्ट कर सकते हो कॉमेंट, और उसके बाद लोगों ने क्या कहा ये देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है अभी। होम में अगर मैं जाऊँ, पाइथन में जाऊँ, यहाँ पर जो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो लॉग्ड इन नहीं है उसको, वो नहीं कर सकता स्टार्ट डिस्कशन को, और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट अ कॉमेंट, यू आर नॉट लॉग्ड इन। अब यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी एक बात बताऊँगा, बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब क्या होता है ना, जो हैकर होता है वो क्या करता है, सुनो, हैकर मेंटेलिटी बताता हूँ आपको अब मैं, और ये वेबसाइट कैसे हैक हो सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि जब कोई बंदा लॉग्ड इन है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको। देखो लॉग आउट हूँ तो मैं, आपने देख लिया क्या होता है, यहाँ पर ये दिखा रहा है आप लॉग्ड आउट हैं और आप जो है ये नहीं कर सकते स्टार्ट डिस्कशन को। ठीक है, तो मैं लॉग इन करता हूँ भी, टेस्ट एट द रेट ऑफ टेस्ट डॉट कॉम, और उसके बाद मैं यहाँ पर टेस्ट और यहाँ पर सबमिट कर दूंगा, मैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब देखो ये फॉर्म में मैंने एक लॉजिक लगा दिया कि भाई देखो ऐसा है, अगर कोई भी बंदा इसको ऐसे करता है वैसे करता है, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी। लेकिन एक दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई बंदा इस फॉर्म की डिटेल को लेकर, जो कि बहुत सिंपल है, किसी के भी अकाउंट से वो इस फॉर्म की डिटेल्स ले लेगा इंस्पेक्ट करके, और यहाँ पर उसको पता चल जाएगा कि नेम में क्या यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्शन में क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये सब पता चल जाएगा उसको। ठीक है, और फाइनली क्या होगा कि वो क्या करेगा, ये जो एंड पॉइंट है मेरा फोरम स्लैश थ्रेडलेस डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क, ये इस पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट मार देगा, और पोस्ट रिक्वेस्ट मार के ये डिटेल्स फर्जी भेज देगा। ठीक है, तो वो बंदा फर्जी डिटेल्स भेज के एक डिस्कशन स्टार्ट करवा सकता है किसी दूसरे के बिहाफ पे। तो इस चीज़ को मैं कैसे रोकूंगा, और लोग कहेंगे साइट हैक हो गई, साइट हैक हो गई, देखो इस फोरम पे इस यूज़र ने पब्लिश नहीं किया था, उसके बाद भी किसी ने कुछ ऐसा किया कि वो बंदा अब दिख रहा है यहाँ पर ब्राउज क्वेश्चंस में, और किसी ने उल्टा पुल्टा इंस्टेंट लिख दिया यहाँ पर उसके बिहाफ पे, तो कितना गलत होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना है, वो अब आप समझ रहे हो कि क्या मैंने बोला, समझ गए ना आप लोग मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि अगर मैंने ये फॉर्म की जो हैंडलिंग हो रही है बैकएंड में, मैंने कहा कि मैं यहाँ से इस फॉर्म से पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस फॉर्म को हटा दिया अगर कोई बंदा लॉग्ड इन नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो लॉग इन करके इस फॉर्म का स्ट्रक्चर देख के और कहीं और से एक अपनी पीएचपी वेबसाइट से इस फॉर्म को पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकता है, जो भी फॉर्म है मेरा कहाँ पर हैंडल कर रहा हूँ मैं, थ्रेडलिस्ट डॉट पीएचपी में कर रहा हूँ, और वो सारे पैरामीटर यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो मैं लॉग इन चेक ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं लॉग इन चेक कहाँ कर रहा हूँ कि बंदा लॉग्ड इन है कि नहीं, तो वो तो यहाँ पर लॉग्ड इन कर देगा उसको, सॉरी थ्रेड को पोस्ट कर देगा, जो थ्रेड हैज बीन एडिट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये करके मैंने ऐसे किया, अब मैं अगर चेक करूँ कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं यहाँ पर, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन मैं बस बेसिकली आपको ये बताना चाहता था कि किस तरह से हैकर्स आपकी वेबसाइट पर घुस कर उसको हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगली जो स्टेप्स है मेरी, मैं यहाँ पर अगली स्टेप्स को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर करूँगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जो मेरा ये है एनोनिमस यूज़र दिख रहा है, ये मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा सता रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। पहले एनोनिमस यूज़र ना लिखकर यहाँ पर उस पर्टिकुलर यूज़र का नाम है जिसने पोस्ट किया है कॉमेंट, सॉरी डिस्कशन, और उसी के साथ साथ ये डिस्कशन अगर मैं खोलूँ तो ये एनोनिमस यूज़र जो लिख कर आ रहा है, ये जिस बंदे ने पोस्ट किया है उसका नाम लिख कर आना चाहिए कि भाई ये शुभम ने किया है, ये रोहन ने किया है, ये स्किल एफ ने किया है, ये हैरी ने किया है, ये इसने किया है, ये मान लो ज्योति ने किया है, तो किसी ने भी किया हो उसका नाम आना चाहिए लिख कर। ठीक है, और ये पोस्ट अ कॉमेंट अब आपको तभी दिखेगा जब मैं लॉग्ड इन हूँ, तो ये फोरम तो बिल्कुल कड़क काम कर रहा है। और अगर आप बात करो ना इसकी अबाउट की, कॉन्टैक्ट की, तो यार ये आपका होमवर्क है, ये खुद बनाओ अब आप लोग। मैंने काफ़ी वेबसाइटें बनवा दी आपको यहाँ पर, तो हमने काफ़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करी है डेटाबेस में इंसर्शन वगैरह, ये सिंपल टास्क की, तो ये चीज़ आप लोग खुद करो अब। ठीक है, टाइम मिला तो इस सीरीज़ में हम करते हैं आगे, लेकिन
आप लोग फॉर द कंप्लीशन सेक मैं कर सकता हूँ इसको कॉन्टैक्ट और अबाउट, और या कैटेगरीज में आप ये सारी कैटेगरीज लिस्ट करा दो अगर हो सके तो वो सब आप लोग करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं वो चीज़ें कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इनफैक्ट कराने की क्या, मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ उन चीज़ों को जो कि मैंने ऑलरेडी नहीं बताई है, ताकि कोर्स कंप्लीट हो सके। ऊपर से नीचे को आप देखते हुए आ रहे हो अगर वीडियोज़ को, तो आपको कोई चीज़ रिपीट ज़्यादा होती हुई ना दिखे। हालांकि रिपीट मैं तब करता हूँ जब मुझे लगता है कि इस चीज़ को इतना मुझे एम्फेसिस देना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है पीएचपी, आप लोग इंजॉय कर रहे हो यहाँ पर मेरे साथ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यार अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ वीडियो भी लाइक कर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।